ये तस्वीरें आप हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। करनाल के घरोंडा के सदरपुर गांव में गोली चल जाती है। जी हां, आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। मामला भाइयों के बीच में आपसी जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। एक भाई ने दूसरे भाई पर आकर गोलियां चला दी, जिसके बाद आप देख सकते हैं SHO और DSP तमाम पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश जो है शुरू की जा रही है। गनीमत यह रही कि जो दो गोलियां चलाई गई, गोली किसी को नहीं लगी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो ये लाइव तस्वीर है, समय आप देख सकते हैं करनाल के घरोंडा के सदरपुर गांव से। पांच भाई थे, इनमें से एक भाई की डेथ होगी, चार भाई हैं जीवित हैं। इनमें से एक भाई इनका कुरुक्षेत्र रहता है कृष्ण कुमार, उसका बेटा और वो दोनों वो आए थे आज यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ थे जी। उन्होंने आके उसके पिताजी पे अपने बेटे के नाम 5 किले जमीन नाम करवा ली जी, जो इनके 500 भाइयों के होनी चाहिए थी जी। इस बात पर इनका झगड़ा हुआ था, कहा सुनी हुई, और उसमें अभी इन्होंने वीडियो की दिखाई हमारे को। वीडियो में एक जो है रिवॉल्वर चलता दिखाई दे रहा है जी, उसकी आवाज़ भी आ रही है हल्की पटाखे टाइप की जी, लेकिन कोई निशान नहीं मिला वहाँ कहीं भी जी, और ना ही जैसे रिवॉल्वर या पिस्टल से गोली लगती जिस तरह जड़ होता है वो हुआ, लेकिन चला जरूर है जी। इस वो मौके पर नहीं मिला, हमारी ERB पहुंची 10 मिनट में आ गई थी यहाँ, उससे पहले भाग गया वो जी। और कुरुक्षेत्रा में रहता है, उसको बुलाएंगे पकड़ेंगे जैसे भी आगे जांच का विषय है जी, जैसे होगा आपको बता दिया जाए। ये एक सूचना मिली थी भाई सदरपुर गांव में ना गोली चल गई है, तो हम यहाँ आए हर मौके पे भी हैं यहाँ। इनका चार भाई हैं, ये इनका जमीनी विवाद है, तो जमीनी विवाद में कुछ ऐसा है कि जैसे एक भाई के नाम जमीन रजिस्ट्री करा दी, कुछ इस तरह की बात है, उसी बात को लेकर विवाद होया इनका। और यहाँ ये जो थे मौके पर ये कह रहे हैं भाई गोली चलाई है उसने जी, लेकिन अभी कोई गोली किसी के लगने वाली बात कोई पुष्टि नहीं हो रही है जी, जी। वैसे ये तो अभी छानबीन चल रहे हैं और कोशिश हम भी जांच कर रहे हैं, जो भी जांच में आएगा ना वही करेंगे। इंद्रजीत आपका पिताजी है, आपके किस नाम? तीन कैनाल पांच किले नाम कराया गया तुम्हारे होटल लग रहा है, तीन कैनाल खारा मरले है, बोल रहा हूँ चारों पर बात आ रही है सारी करवा गया शमशेर के नाम करा गया। हाँ हरस के नाम है शमशेर का, जो फोन करा गया इंद्रजीत इंद्रजीत दादा करवा गया, ओके इंद्रजीत दादा है, धोखे में जी दादा करवा गया उससे, क्या अभी हम तो तेरा हिस्सा करवाएंगे ना, अभी सारी राशि सारी करवाएंगे, हिस्सा करवाना सोरे का जी बोर्ड देख लो, मैं अनजान को इंद्रजीत के हूं जी, उसके हूं जी। हां इंद्रजीत जी है, हां जी, कितने साल का इंद्रजीत? ये जो 92 साल है, 92 है नंबर, 92 साल कभी की थी, थोड़ा सा ये
तसल्ली तो करो भाई, दीवार में भी कहीं ना कहीं कौन भी तो मिला हो यार, इसमें कबाड़ भी बहुत है। ये आपसे लड़ाई झगड़ा था जो हमने हमारी जमीन का मामला जी, हमने उससे पैसे भी दे रखे सब कुछ कर रखा जी। मैं कहने लगा भाई साहब मैंने पैसे लगे ब्याज भरना 54,000 रुपये, 2 महीने का ब्याज दे दिया तो इसके हमारी तुम्हारे नाम हमारी करवा दे और अपने अपने नाम रख ले। और बोला बहन चौथा मैं करा उतरी जमीन लिया काट का बंदूक उधर मैं उड़ा एक दिन सही बैठ गया जी। तेरा छोरा लगा मेरा फायर हुआ। कितने फायर करे? दो जी। दो फायर करे। हाँ। कितनी जमीन का झगड़ा है? 5.5 किले जी। तो दूसरी पार्टी कौन है? हम हैं जी। दूसरे को कृष्ण जी भाई हमारा सगे भाई सगा भाई है जी। तो गोली किसी को लगी तो नहीं? नहीं मर तो सर लगा छोरे का जी पूरा। अच्छा अलग रही बुलाया पुलिस आगे मौके पे? हाँ जी मौके पे आएगी जी पुलिस। एक मिनट भाई एक मिनट भी लगा जी। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार जी। किस से क्या बात हुई थी? बस हमारा जमीन की बात है आप समझिए। हम उससे अपनी सामान ले गए, उसने फ्लैश होकर तो गोली चलाई थी हमारे ऊपर। कितने गोली चलाई? दो जी। दो गोली चलाई। कितनी जमीन का मामला है? 5.5 किले का जी। तो जब यहाँ गोली चलाई हाँ जी तो कोई बातचीत पंचायत हो रही थी क्या था? कुछ इंतजाम सारे परिवार के इकट्ठे थे, मेरी माँ मेरा बाप और मुकेश छोटा भाई मैं और वेद और भतीजा अनुज और एक भाई का लड़का एक बहू भी थी हमारी भाई की, मैं मौके पर मौजूद थे जी। तो उसने ठाका अपना उसने कहा जी हमारी रिश्ता करा दे गाड़ी गलोसी होगी ठाका अपना कुछ नहीं करा ठाका फिर गोली चला दी। अच्छा हाँ जी दो फायर करे उन्होंने उसी फायर हुआ पटक पटक की आवाज आई। उसमें कारतूस था के था नहीं पता जी, मेरे पास वीडियो भी उस बात की। अच्छा उस बात तीजे ने वीडियो बनाई जी। अच्छा हाँ जी अब हमने कहा रुक जा फिर कार ठेका बच गया अपनी बनूंगा। अच्छा किसने चलाई गोली? मुकेश कृष्ण जी। कृष्ण जी हाँ मेरा छोटा भाई है, मेरा भाई छोटा जी। आपका छोटा भाई? हाँ जी। पुलिस आ गई मौके पे? पुलिस एक मिनट ने मौके पे आई बिल्कुल जी। पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती। तो फिर वो गोली चला के भाग गया? भाग गया गिल गया भाग गया सीधे गया सीधा। अच्छा हां जी किस चीज पे था? गाड़ी कार ले एक्सी हुई कौन सी टैक्सी हुई पता नहीं हुई कौन सी है जी। हां जी हां जी भाग गया फिर? हां भाग गया जी। अच्छा हां जी गोली किसी को लगी तो नहीं?